तुमसे ना हो पाएगा। नेचर के भूखे हैं हम, नेचर के भूखे हैं हम। हमें सिटी विटी नहीं पसंद, नेचर चाहिए। तो नवसारी में एंटर हो गए, रियल एक्सपीरियंस जोरदार। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम निकल गए, जरूरी काम से निकले थे वैसे, क्योंकि आज जो मेरा भांजा है उसको यहाँ पे मामा के घर आना है, यानी कि मेरे घर आना है, तो उसको लेने हम नवसारी जा रहे हैं। तो हमने सोचा अगर नवसारी जा रहे हैं तो बहुत दिनों से मुझे एक जगह पे जानी थी, वो जगह मैं आपको बताऊंगा। वो एक ऐसी जगह है, धार्मिक जगह तो है ही है, पर वो इतनी खूबसूरत सीनिक जगह है, ब्यूटीफुल जगह है, वो आपको दिखाता हूँ। और साथ में अपूर्व भी है, तो उसको भी थोड़ा आसपास की यार जगह दिखाएंगे अपने को, तो क्या वो नेचर थोड़ा दिख जाए। हाँ बस उसके लिए यार, से दूर। नेचर के भूखे हैं हम, नेचर के भूखे हैं हम। हमें सिटी विटी नहीं पसंद, नेचर चाहिए, बस थोड़ा अकेलापन मिलना चाहिए बस। वेद वेद में से बीच में से मस्त रास्ता जा रहा है, और ये रास्ते से हम निकलेंगे नवसारी। एक्चुअली ये शायद है मरोली वाला रास्ता। नवसारी की कौन सी नदी मुझे पता नहीं, लगभग अंबिका नदी है। तो नवसारी में एंटर हो गए, और यहाँ से अपने जीजा जी के हॉस्पिटल में चले गए, और वहाँ से जेवर को उठा के फिर हम निकल जाएंगे दरियाई महादेव। और मुझे कमेंट करके बताएं कि ऐसी परमानेंट मूछे में रखूं कि निकाल दूं। अगर समझ लो 5 से ज़्यादा कमेंट आई तो मैं रखूंगा, सही है, और 3-4 आए तो मैं नहीं रखूंगा, फिर समझ जाऊंगा भाई तुमसे ना हो पाएगा। आ गए हैं जीजा जी के हॉस्पिटल पे, यहाँ पे ऊपर जीजा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और यहाँ से ऊपर जाएंगे। मैं वो बाजू में पूछी, जीजा जी आ गए हैं। तो भाई इसको लेने, उसको उठाने के लिए आए हुए हैं, और अभी जीजा जी हॉस्पिटल का टूर कराएंगे। और मैं तो यहाँ पे आया हुआ हूँ, पर अपूर्व जो है वो पहली बार आया हुआ है। आओ वेलकम, आओ आइए। ये वेटिंग कम लाउंज बरोबर। हाँ लेक व्यू। डिसाइड किया है कि सूरज जाने से पहले महादेव जी के दर्शन एक बार कर देंगे, क्योंकि कट टू कट टाइम है, अंधेरा भी हो जाएगा, पर अंधेरा होने से पहले शायद हम पहुंच जाएंगे। अभी अपूर्व है और पीछे जलू भी है, तो तीनों अभी मजा करेंगे। कार लेके निकल गए और फटाफट निकलेंगे। मौसम अच्छा हो रहा है, बारिश नहीं है, बिल्कुल प्लेजेंट वेदर है, तो आराम आराम से निकलेंगे। ये जो रास्ता हम जा रहे हैं वो एक्चुअली उभराट वाला रास्ता है, जो एक बीच है। तो भाई अभी थोड़ा सा उजाला है, और टाइम से हम उभराट विलेज में एंटर हो गए, और यहाँ से अगर लेफ्ट जाते हैं तो अपना दरियाई महादेव आ जाएगा, और राइट साइड में है उभराट बीच। तो अपन पहले दर्शन कर लेंगे, जिस चीज़ से लिए आए वो कर लेते हैं, फिर देखा जाएगा कहाँ पर जाना है, क्या करना है। तो भाई फाइनली ऑन द एज ऑफ द ग्रेट अरेबियन सी, अने यहाँ पे अपना दरियाई महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंदिर बंद किया हुआ है सेफ्टी पर्पस के लिए, शायद बंद किया होगा, पता नहीं, पूरा ग्रीन कर दिया है। और यहाँ पे पहले दर्शन कर देते हैं, हर हर महादेव, महादेव महादेव। हम तो बंद ना हुआ जी है, पर बंद करेला से कहीं वांधो नहीं। आओ तो रे, हर हर महादेव। तो भाई जब भी यहाँ पे आओ तो आपको मज़ा आ जाएगा, पहले दर्शन कर लेता हूँ मैं। तो भाई यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी हुई है, और यहाँ पे नज़ारे देखो बॉस। अभी आवाज़ कितनी आ रही होगी कितनी नहीं वो पता नहीं, पर यहाँ पे नज़ारे है ना वो एक नंबर है भाई, रियल एक्सपीरियंस जोरदार। अभी भर्ती का टाइम है, तो पानी धीरे धीरे ऊपर आता है इधर, तो फटाफट ये नज़ारे को एंजॉय करते हैं। डुमस बीच है, तो सामने जो खड़े हुए दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये डुमस बीच है, और ये जो है वो नेक्स्ट रोप है सर, भाई नेक्स्ट रोप है सर। बॉस अंधेरा होने से पहले गाड़ी यहाँ एकदम एज पे ला दी है, और आप देखोगे सामने ही कितना खतरनाक व्यू आ रहा है ना बॉस। और यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है,
सिर्फ यहाँ के कुछ लोकल्स यहाँ पे है बस, और यहाँ पे मंदिर है। और किसी को अगर चाहिए तो यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, एकदम यहाँ पे खाना वाना भी खा सकते हैं। बाजू में ही गांव है तो कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे अपूर्व फोटोग्राफी वगैरह देखो, ये इनकी फोटोग्राफी ख़त्म नहीं होगी। और जेवल भी मज़े कर रहे हैं, और थोड़ा कचरा लोगों ने यहाँ पे फैलाया हुआ है, पर यार लोकेशन जबरदस्त है। देखो बादल कितना खतरनाक हो रहा है। बस यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह करता हूँ और फिर निकलते हैं वापस से। चलो तो वो क्या कर रहा है? समंदर तो इधर है, तू इधर क्या ढूंढ रहा है? सुसु मजा कर लो, कर लो, कोई बात नहीं। बात कर तो भाई, अभी रियर व्हील ड्राइव है और हम फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और आराम से निकल गए लाइट। तो भाई अभी हम वापस से रिटर्न जर्नी शुरू कर दिया है, और ये रास्ते में अब जब जाओगे तो बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता एकदम सीधा है, स्ट्रेट है, और ट्रैफिक जीरो मिलेगा, पर स्ट्रे कैटल्स है वो बहुत देखने को मिलती है, वो कभी भी रास्ते में दौड़ते हुए आ जाती है। अभी दो तीन बार तो दौड़ते हुए दिखी, पर अपनी स्पीड वैसे भी 60-70 रहती है तो इतना कंट्रोल हो जाता है, पर स्ट्रेट रास्ते में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी फटाफट घर पहुँचेंगे और ये वीडियो को यही पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा और कुछ अलग लोकेशन आपको एंजॉय करवाने की कोशिश की। तो ऐसे ही दूसरे वीडियो पे ऐसे ही कुछ नया नया लाते रहेंगे। तो भाई हमें अत्यारे अरेबियन सी ना एकदम कांठा ऊपर आवेला छे, बाजूमां शंकर भगवान नू मंदिर छे, अहीं अमारी गाड़ी पार्क छे, अने अत्यारे थोड़ू अंधारू थवानी वार छे એટલે વાંધો નથી, અને જૈવલ પણ એન્જોય કરે છે મસ્ત। અને તમને બતાવું કે અત્યારે જે વાદળ સામે દેખાઈ રહ્યા છે એ રૌદ્ર સ્વરૂપ અત્યારે ધારણ કરી રહ્યું છે, એટલે ગમે ત્યારે આ વાદળ ફાટવાની સંભાવના છે, અને એનાથી પણ ખતરનાક। અત્યારે તમે જોશો આ દરિયાનું સ્વરૂપ, ઓહો હો હો હો, ઘૂઘવાટા મારતો આ દરિયો તમે ભાગ્યે જ જોવા મળશે। અને સુરતનું આ લોકેશન તમને ખબર જ નહીં હોય, અને પબ્લિકથી દૂર, કોઈ જાતની ભીડભાડ વગર, ખાલી અમારી ગાડી પડેલી છે, ભોલેનાથ અમારી સાથે છે, અને અમે ત્રણ ભાઈઓ મોજે મોજ કરી રહ્યા છીએ બાબા, મોજે મોજ દરિયાની જોડે, મોજે મોજ બાપા। તો બાપા બાપા અમે તો નીકળી ગયા છે ઉભરાટથી પાછા ઘરે જવા માટે, અને આ રસ્તો તમે જેટલો સુંદર દેખાય છે, એકદમ સીધો રસ્તો દેખાય છે, એટલો જ ખતરનાક છે, કેમ કે અહીંયાથી નીલ ગાયનો ત્રાસ આ ખેતરોમાં ઘણો બધો જોવા મળે છે, અને સાથે સાથે જે સ્ટ્રે કેટલ્સ છે એ પણ રસ્તામાં ક્યારેક ક્યારેક બેસેલા હોય છે। તો તમે જો આ ઉભરાટ આવતા હોય તો આ રસ્તા પર ખાસ ધ્યાન રાખવું, કારણ કે આ સીધો રસ્તો જોઈને ઘણા લોકોને લાલચ આવી જાય કે 100-120 સ્પીડે પકડી લઈએ, પણ આપણે તો 50 સ્પીડે જતા હોય છે આરામ આરામથી, એટલે આરામ આરામની મજા જ અલગ છે।